आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में दो दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकियों का तीन बार आमना सामना हुआ है। शोपियां में गुरुवार देर रात सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर लिया। सुबह तक चली मुठभेड़ में तीन आतंकी ढेर हो गए। बड़गांव में एनकाउंटर के दौरान एक एसपीओ शहीद हो गए। यहां शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी। इसके बाद शुक्रवार दोपहर में श्रीनगर के बागत बरजुला एरिया में एक आतंकी ने पुलिस पार्टी पर गोलियां बरसा दी। इसमें पुलिस के दो जवान घायल हो गए। बाद में दोनों ने दम तोड़ दिया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक युवक कपड़ों के अंदर राइफल छुपाकर आया और दुकान पर खड़े पुलिस कर्मियों पर पीछे से गोलियां बरसा दी। ये सारी वारदात पड़ोस की दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है जो तेजी से वायरल हो रही है। फायरिंग के बाद आतंकी गलियों में फरार हो गए। उसकी तलाश के लिए सेना ने इलाके में ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उनकी तलाश जारी है। देश दुनिया की ऐसी ही जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।